शानदार 50वां दिन यानी कि 50 डेज की तरफ मुड़ चुका है हमारा कौन, पावर स्टार पवन सिंह और आस्था सिंह की फिल्म सूर्यवंशम। जी हां, यानी कि लॉकडाउन के बाद पिछले 5 साल में अगर कोई फिल्म लगातार कंटिन्यू 50वें दिन की तरफ अगर मुड़ा है तो वो है सूर्यवंशम। और ये कारनामा पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से रिकॉर्ड बना दिया गया। जी हां, 7वें सप्ताह में फिल्म को मिल चुका है एंट्री और अभी भी आरा सिनेमा में, जी हां, यानी कि आरा के पटना सिनेमा में 400 की जगह 200 में लगाया जा रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। और साथ ही साथ और भी सेंटर पे लगाया गया है, करीब 7 से 8 सेंटर पर बिहार में लगाया गया है। और तारीफ की बात यह है कि दुर्गा पूजा के मौके पर हिंदी की भी कई सारी फिल्में रिलीज हुई है। साथ ही साथ खेसारी लाल यादव की खुद की 2 फिल्में रिलीज हुई है, उसमें से एक फिल्म तो आरबीएफ एंटरटेनमेंट यानी कि जो सूर्यवंशम को रिलीज किए थे वही आदमी वही शख्स अपराधी को भी रिलीज किया गया है, उन्होंने ही रिलीज किया है। तो ऐसे में सूर्यवंशम का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, यानी कि 50वें दिन की तरफ चल चुका है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बेंचमार्क है और मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि पिछले 5 साल में अगर कोई बड़ा ब्लॉकबस्टर फिल्म है, अगर उसके आगे फिल्म के आगे अगर ब्लॉकबस्टर लिखा जाता है तो वाकई में ही डिजर्व करता है सूर्यवंशम। क्योंकि सूर्यवंशम मल्टीप्लेक्स में लगी रही 5 हफ्ते तक लगातार मल्टीप्लेक्स में लगी रही और ये कि एक बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। सिनेपोलिस में, जो पटना के सिनेपोलिस में 5 हफ्ते तक मल्टीप्लेक्स में लगी, ये कि एक बहुत ही बड़ा कारनामा है। ऐसे हिंदी फिल्में 4 हफ्ते 5 हफ्ते 6 हफ्ते चलती है लेकिन भोजपुरी फिल्में सिंगल स्क्रीन में रिकॉर्ड बनाती है लेकिन मल्टीप्लेक्स में भी बनाई। अब सिंगल स्क्रीन में करीब 50वां दिन की तरफ, मतलब ये 110% है कि आप ये मान लो कि 50वां दिन का पोस्टर अगले वीक आ जाएगा क्योंकि फिल्में चल रही है। और आज भी पवन सिंह का जो ग्राफ, अगर फिल्म अच्छी बनाओगे आप और अच्छे से रिलीज करोगे तो भोजपुरी फिल्म चलती है। और ये कारनामा ये निशांत उज्जवल जी ने खूब अच्छे तरीके से किया है क्योंकि उन्होंने इस फिल्म में पैसा भी लगाया है और उन्होंने इस फिल्म को रिलीज भी किया है। रजनीश मिश्रा का डायरेक्शन लोगों को काफी पसंद आ रहा है, पवन सिंह के अभिनय को ज्यादा पसंद आ रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए तो पावर स्टार पवन सिंह एक और नया बेंचमार्क भोजपुरी में सेट कर दिया। फिलहाल 50वें दिन की तरफ पावर स्टार पवन सिंह का सूर्यवंशम बढ़ चुका है। किस किस ने फिल्म देखा है, जिन जिन ने फिल्म देखा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।